आपके सामने क्वेश्चन है तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, इन सबको करने के लिए क्या क्या ट्रिक लगाते हैं वो सब आपको सिखाता हूं। यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले जितने दिन बाद की बात करी है बच्चों उसको लेना है और उसे 7 से भाग करना है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 × 7 21, 7 × 21 पूरा पूरा कट गया। उसके बाद जो शेष है अगर वो 0 है तो सेम दिन आएगा, अगर आज गुरुवार है तो 91 दिन बाद भी गुरुवार ही आएगा। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात यह है कि जो शेष आता है वो इसमें ऐड कर देना है। 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसलिए गुरुवार रहेगा। 1 शेष आएगा तो 1 ऐड कर देंगे तो गुरुवार से आगे शुक्रवार, 2 आएगा तो फिर शनिवार, 3 आएगा तो रविवार। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से विद इन सेकेंड कर सकते हैं। यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। वो क्या है कि सबसे पहले जो डेट दी है उस महीने में कितने दिन बचे हैं वो लिख लो। मार्च होता है 31 दिनों का, 15 तारीख हो चुकी तो 16 दिन बचे, और जिस महीने में पूछा है बच्चों उसमें जितने दिन दिए हैं उनको ऐसा कैसा ही जोड़ लो। बीच में क्या है, मार्च के बाद अप्रैल गायब है, मई गायब है और जून गायब है, 3 चीजें गायब है। तो ये ऊपर उठी गांठ होती है 31 दिन की, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल गायब है, देखिए अप्रैल 30 दिन होता है, मई गायब है, जून गायब है। तो अप्रैल 30 दिन है, 30 दिन में 2 विषम दिन होते हैं, 30 दिन वाले में 2, 31 वाले में 3, 2 3 2 ये जोड़ लेना है, क्योंकि मार्च से अप्रैल गायब है, अप्रैल का विषम दिन है 2, फिर मई का 3, जून का 2, जिसमें 30 दिन होते हैं मंथ में उसमें 2 जोड़ना है, जिसमें 31 होते हैं उसमें 3 जोड़ना है। इन सबको जोड़ना है 16 10 26 2 28 2 30 3 33, जो आएगा बच्चों उसे करना है 7 से भाग, 7 × 28, जो शेष आएगा 5, उतने दिन आगे जाना है, उतने दिन आगे जाना है किससे? आप यहां देखिए सोमवार था तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, हमें 5 दिन आगे जाना था तो शनिवार आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? इसके लिए आपको 5 चीजें याद रखनी है। वो क्या है, ये डेट लेनी है 5, प्लस में लेना है बच्चों अगस्त का कोड, ये आपके कोड है जिसको आप याद रख सकते हैं 0 33 0 35, ऐसे लिख के बीच में आएगा 614 625। तो अगस्त का कोड यहां से उठाएंगे जो कि 2 है वो लिखेंगे, फिर बच्चों यहां 1900 लिखा है तो 1900 में 19वीं शताब्दी जो यहां लिखा है उसके आगे का कोड लिखना है, ये 0 है प्लस, फिर लिखनी है डेट जो कि ईयर है, मतलब ईयर जो कि 87 है, इस 87 को करना है 4 से भाग, 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 4, जो ये शेष बचा इसको नहीं लेना, ये जो यहां भागफल आएगा वो इसमें करना है ऐड, और इस सारे को भाग करना है 7 से, बस इतना सा काम करोगे तो आपका दिन आ जाएगा। 5 × 2 = 7 21 + 7 = 28 और 87 + 8 = 15 115 को बच्चों करना है 7 से भाग, 7 × 7 = 7 6 = 42 3, जो ये शेष बचा 3 ये लेना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो रविवार है, रविवार दिन छुट्टी होती है तो उसको हम 0 मान के चलते हैं, तो रविवार का कोड है 0, जो फिर उसके आगे एक एक बढ़ता जाना है, सोमवार 1 मंगल 2 बुध 3, तो जो शेष आया ये कितना है 3, और 3 कोड किसका बन गया बुधवार का, तो आपका आंसर आ गया बुधवार। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा? यहां आपको सिर्फ 5 चीजें रखनी है, वो क्या है, ये डेट लेनी है 1 प्लस अक्टूबर का कोड लेना है, बच्चों कोड ये लिखे हुए हैं इनको याद रख लेना है ऐसे 0 33 0 35 614 625, हमें चाहिए अक्टूबर, अक्टूबर है 0 प्लस। तीसरी चीज लेनी है ये शताब्दी, क्या है यहां शताब्दी 2000, क्या है शताब्दी 2000, 2000 वाले में यहां जाओ, 2000 वाले का कोड है 6, वो यहां से उठा के लिखना है, ये कोड आपको शताब्दी के याद करने हैं। फिर यहां से डेट उठानी, ये आखिरी की जो है ये सन होती है, सन मतलब जो ईयर है उसको लिखना है 20, और उस ईयर में कितने लीपर्स है वो लेना है, तो इसका मतलब उस सन को आपको 4 से भाग करना है, 4 × 5 = 20, 4 से भाग करके जो यहां आएगा भागफल वो लेना है, और बच्चों जो आएगा उसे 7 से भाग करना है, तो 1 × 6 = 7 और 20 = 27 और 5 = 32 को 7 से भाग करना है, 7 × 28
चार शेष आ गया। इस चार को आपको देख रहे हैं दिन के कोड में। सो जो रविवार होता है वो जीरो है, सोमवार एक, मंगल दो, बुध तीन, बृहस्पति चार। तो चार हमारा शेष आया था, चार हमारा चार पे है थर्सडे मतलब गुरुवार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड।